भाई स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्स मार्टी नसीम में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है उन सभी रिटेलरों के लिए जो MNP और पोर्टिंग वगैरह कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि हर कंपनीज़ में, यानी कि ज़्यादातर कंपनीज में इस वक्त 399 की FRC वाली MNP बिल्कुल फ्री चल रही है, जिसमें कस्टमर को 2 महीने का रिचार्ज बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कौन सी कंपनीज़ में MNP का कमीशन ज़्यादा मिल रहा है और कौन सी कंपनी में MNP का कमीशन कम मिल रहा है। इस वीडियो में मैं एयरटेल और जियो की MNP का कंपैरिजन करके आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को भी दबा लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर आप रिटेलर के साथ साथ एक सफल यूट्यूबर भी बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल एक्समार्टी सपोर्ट विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी एक रिटेलर हैं, MNP की सर्विस, सिम एक्टिवेशन की सर्विस अपने रिटेलरों को देते हैं अपनी शॉप के माध्यम से, तो आपको पता ही होगा कि हर कंपनीज में, खासकर बड़ी कंपनीज एयरटेल और जियो में फ्री MNP का सहा संग्राम चल रहा है। यानी कि सभी रिटेलर अपने कस्टमर को फ्री MNP प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें उन्हें 2 महीने का रिचार्ज बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर कंपैरिजन बनता है कि अगर आप कौन सी MNP करें जिसमें आपको ज़्यादा कमीशन मिले और ज़्यादा कमाई का ज़रिया आपकी बने। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगा कि जिसमें आपको हेल्प हो ज़्यादा कमीशन कमाने में। तो मैं फ्रेंड सबसे पहले शुरुआत करता हूँ एयरटेल की MNP से। तो एयरटेल के MNP में आपको कितना कमीशन मिलेगा, जैसे कि आपने किसी कस्टमर का 399 की FRC से कमीशन कर दी, वो MNP कर दी और वो MNP 2 दिन बाद पोर्ट हो गई, तो फ्रेंड उसमें जो आपको कमीशन मिल रहा है वो 336 रुपये का मिल रहा है, क्योंकि उसमें TDS कट रहा है। TDS कटने के बाद जो आपका कमीशन रह जाता है वो रह जाता है 336 रुपये। और उसमें एक दिक्कत और है कि उसमें आपका माइनस पॉइंट, आप इसे कह सकते हैं कि उसमें 50 रुपये का माइनस, यानी 50 रुपये आपके माइनस हो रहे हैं जो 1 हफ्ते के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। यानी कि 400 रुपये का एयरटेल में वादा किया है, लेकिन जो आपका कमीशन आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 50 रुपये 1 हफ्ते के बाद होगा, आपकी सक्सेसफुल MNP कम्प्लीट हो जाने के बाद। तो इसमें यहाँ पर आपका माइनस पॉइंट ये है कि आपको शुरुआत में 350 रुपये मिलेंगे जब कस्टमर का L2 लिखा हुआ जाएगा। उसके बाद अगर वो कस्टमर 1 हफ्ते तक सर्विसेज यूज़ करता है, 5 मिनट की कॉल उससे करता है और 50 MB नेट तक उसे में यूज़ करता है, तो उसमें आपको 50 रुपये का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट था वो आपको 1 हफ्ते के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था एयरटेल का हाल। और दूसरा मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे बढ़िया जो मेरा फेवरेट है वो है जियो। यानी कि जियो की MNP जो भी आप करेंगे 399 की FRC से करेंगे, 99 रुपये की प्राइम में लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 99 रुपये की प्राइम कस्टमर ने हटा दिया है। अगर आप कोई भी कस्टमर का एयरटेल आइडिया का जियो में पोर्ट कर देते हैं और वो जैसे ही सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल होने के बाद जैसे ही आप टैली वेरिफिकेशन करेंगे, टैली वेरिफिकेशन करते ही आपके 400 रुपये, पूरे 400 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। और एयरटेल में जो है वो L2 होने पे 350 रुपये आते हैं, लेकिन जियो में आपको टैली वेरिफिकेशन पहले करना होगा। जब तक आप टैली वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपका कमीशन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। तो लेकिन इसमें यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि आपके पूरे 400 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, इसमें आपका कोई भी TDS नहीं कटता है। जियो का प्लस पॉइंट मुझे यही लगता है, इसलिए ये मेरा फेवरेट है। यानी कि जैसे मैंने 1-2 दिन पहले एक MNP की, MNP करने के बाद जैसे ही मैंने उसका टैली वेरिफिकेशन किया तो मेरे अकाउंट में 400 रुपये क्रेडिट हो गए। 400 रुपये में मेरा कुछ भी नहीं कटा, पूरे मेरे 400 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए। साथ ही साथ मुझे इसमें जो यहाँ पर जो कमीशन मिला वो मिला 6.5% का। 400 रुपये की FRC पे जो कमीशन बनता है, 6×24 यानी कि 25 रुपये मुझे, 25-26 रुपये मुझे मार्जिन मिला। रिचार्ज का मार्जिन जो होता है हमारा 6% जियो पे, जियो की तरफ से अगर आप रिटेलर हैं तो आपको पता होगा। तो प्लस मुझे 400 के अलावा उसमें 26 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया, जबकि एयरटेल में इस तरीके का कुछ नहीं हुआ। तो मुझे सबसे, मेरा जो फेवरेट रहा वो इस वक्त का जियो है। यानी कि जियो में जो MNP आप करेंगे तो उसमें आपको 426 रुपये का बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, ये मुझे सबसे प्लस पॉइंट लगा जो मुझे आपको के साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने इसे आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर मैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट ट्रिक वगैरह बताता रहता हूँ।